तो आज हम केवल उन्हीं ट्रेड कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे जो सबसे अच्छी कैंडल है। सबसे अच्छी मतलब एकदम मक्खन जैसी कैंडल है, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो कुछ चीजें पॉइंट हैं जिनकी क्लास हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तो वो चीजें तुम्हारी स्टोरी मेकिंग में क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे करोगे, ठीक है? और आज हम केवल एक सिंपल चार्ट उठाया, बहुत इजी चार्ट है। यहाँ पर थोड़ा खराब हुआ जानबूझकर, मैंने यहाँ एक खराब चार्ट लिया ताकि तुम्हें ये पता लग सके कि हम भी खराब चार्ट में ट्रेड नहीं करते हैं, तुम्हें ये पता लग सके, ठीक है? इस वजह से मैंने यहाँ पर, तो सबसे पहले ट्रेड जो होनी चाहिए, तुम्हारी सोच जो होनी चाहिए किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट में जाके देखोगे तुम क्या, सबसे पहले देखोगे ट्रेंड, ट्रेंड, ठीक है? ट्रेंड पहले हम देखेंगे मार्केट में ट्रेंड। सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे सेकेंड में देखेंगे कि मार्केट में मेजर वेब देखेंगे, ठीक है? वेब देखेंगे, फिर हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर की किस पॉइंट पर खड़ी है, स्ट्रक्चर देखा किस पॉइंट पे है, कि एचएच पे या एचएचएल पे है। जब मैं लगा देता हूँ एचएच और एचएल, ये तो पता है स्ट्रक्चर में हमारा क्या। एचएच पे या एचएल पे खड़ी है मार्केट इस समय, एलएल या एलएच पे खड़ी है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर देखना है इस तरीके से। अगला देखेंगे, अब देखना स्टार्ट करेंगे स्विंग लो स्विंग हाई, पावर जो अंदर की चीजें हैं, पावर, पावर में वही जो तुम्हें पढ़ाया है अंकित भाई ने, लास्ट तीन कैंडल, लास्ट कैंडल, कंपैरिजन, ये सब, ठीक है? उसके बाद एस एच एच एल एचएल है या नहीं है, ये सब हमें मार्केट में पहले देखना, ट्रेंड, फिर वेव मतलब मेजर है माइनर है, फिर स्ट्रक्चर, और फिर पावर, फिर एस एच एल, ठीक है? और फिर स्ट्रॉन्ग लेवल, और उसके बाद एक चीज और देखेंगे भाई, वो मैं भूल गया थोड़ा सा, स्ट्रक्चर के बाद हमें एक चीज और देखनी होती है, और इस टारगेट, टारगेट क्या, टारगेट हम पहले डिसाइड करके रखेंगे अपने माइंड में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें तो कंफर्म हो जाएगा कि टारगेट कैसे डिसाइड करना। तो यहां तक सबको क्लियर, ये हमारी फोर्थ है, ठीक है? और भी चीजें होंगी तो मैं डिसाइड कर लेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान देते, अकॉर्डिंग टू मैं इसे लिखा ही छोड़ दूंगा ताकि अकॉर्डिंग टू बन सके, ठीक है भैया? इसी के अनुसार हम मार्केट को पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जहां मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है उस इसमें मेजर ट्रेंड काफी हद तक अप है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ट्रेंड देखा। ट्रेंड देखने के बाद हमें पता लगा मेजर ट्रेंड अप है मार्केट में। अब देखेंगे मार्केट किस पोजिशन पे खड़ी है, उसकी वेब क्या, मेजर वेब चल रही है। ये जो रेड है ये माइनर वेब है, याद रखना ये माइनर वेब है, और जो पीछे जो आई है मेजर वेब है, ठीक
ठीक है, मार्केट में ट्रेंड अप है, वेब देखी, मेजर वेब है जो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, माइनर चल रही है, याद रहे माइनर वेब में या फिर एचएल में या फिर एलएच में हमें फूक फूक पे कदम रखना है, वहां पर उंगली नहीं करनी है ट्रेंड के साथ खिलाफ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मार्केट को सोचना है। तो हमारी सबसे पहली कैंडल आई है ग्रीन कलर की, हमें नहीं पता पीछे क्या है, बस इतना पता ट्रेंड अप है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पीछे कुछ नहीं पता, तो नेक्स्ट, अब ये कैंडल ने यहां पर एनगल्फिंग करी है इस ग्रीन कैंडल को, तो क्या मैं नेक्स्ट पे डाउन चला जाऊं? नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि मेजर ट्रेंड और मेजर वेब दोनों ही बहुत स्ट्रोंग अप है, तो इतनी स्ट्रोंग अप होने के बाद मार्केट में कभी भी एक कैंडल रिवर्स नहीं कर सकती मार्केट को, चाहे वो कितनी भी बड़ी सही, चाहे वो एंगलफिंग कर रही थी, चाहे बायर को डोमिनेट कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, कभी भी इतने बड़े मेजर ट्रेंड को एक कैंडल कभी रिवर्स नहीं कर सकती। इस बात को दिमाग में लगाना, स्ट्रक्चर फेल हो रहा बात अलग है, पर एक मूव जा रहा है मेजर वेब का और इस तरीके से एंगलफिंग मिलती है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब एक स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री होती है यहाँ से एंगलफिंग के साथ, अगेन क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ देखो स्विंग आई नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी बायर्स ने ट्राई ही नहीं किया यहाँ पर बिल्कुल भी, स्विंग हाई नहीं है मतलब बायर तो इंटरेस्टेड नहीं है, बट लेकिन लास्ट कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है बायर्स की, तो भाई अभी बायर भी हार नहीं मान रहे, तो हमें तो कंफ्यूजन है, वेट करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल में सेलर आए स्पीरिंग टॉप, मतलब कि खुद से बॉडी डिक्रीज करके और बायर से भी बॉडी डिक्रीज करके, तुम्हें पता ही है मेजर के ट्रेंड खिलाफ ऐसी ट्रेड नहीं करेंगे हम नेक्स्ट पर डाउन, ये कंटिन्यूशन मान के कह देना कि कंटिन्यूशन है, वेट करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल में बॉडी इंक्रीज करके सेलर आते हैं लेकिन बायर से अब भी वीक है, ठीक है, अगर नीचे कोई लेवल नहीं है, क्योंकि तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बताऊं, जैसे ही यहां पर बायर सेलर वीक हुए, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिमाग में आया, सेलर वीक हो गए, अब किसको आना चाहिए था, या छोटी मोटी बायर्स की एंट्री दिखानी चाहिए थी, या फिर यहां पर एक न्यू लो बना, न्यू हाई क्रिएट कर देना चाहिए था बायर्स को, बायर ने तो ट्राई नहीं किया और बॉडी और इंक्रीज कर दी सेलर ने खुद से, और ऊपर से स्विंग हाई भी नहीं है, एक तरफ लास्ट कैंडल कह रही है मैं हूं, मतलब बायर्स कह रहे हैं मैं हूं, और स्विंग हाई बना के क्या कह रहे हैं मैं नहीं हूं, सॉरी स्विंग हाई नहीं बना के कह रहे मैं नहीं हूं सबसे पहला, उसके बाद सेलर ने एंगल फिंगर ही, चलो ठीक है यहां तक भी ठीक है, ये कैंडल में सेलर खुद से वीक हो गए बायर से वीक हो गए और एकदम मतलब ऐसा बोलते श्रिंक खत्म सिकुड़ गए एकदम, तो यहां पे तो बायर्स को आ जाना चाहिए था ना, बायर्स क्यों नहीं आ रहे, चलो यस सर, बायर्स थोड़ी बहुत तो प्रेजेंट दिखानी चाहिए थी ना बायर्स को, नहीं दिखा रही, सेलर ने बॉडी इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, ट्रेंड के खिलाफ है, बट हम डाउन की ट्रेड करेंगे, और ये ट्रेड हमारी क्या होगी, विन होगी, क्योंकि हम मेजर के खिलाफ कभी भी ओपनिंग पर ट्रेड नहीं करेंगे, और स्पेशली जब आरआरसी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने देंगे भैया, इस विक के ऊपर जाने देंगे, थोड़ी सी रिस्की है बट इस पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि स्विंग हाई नहीं है, सैलरी वीक होने के बाद ही बायर नहीं आ रहे, पीछे मोमेंटम है मतलब कोई लेवल है नहीं, तो हम क्या करेंगे ऊपर जाने पर डाउन की ट्रेड करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ बायर वीक हो गए कुछ से, अब बायर वीक हो गए तो स्विंग लो बना देना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्वेश्चन मार्क तो ये, अगर बायर वीक हो गए इतनी वीक है तो भाई सैलर अगर इतने इंटरेस्टेड है तो स्विंग लो बना देती ना, क्वेश्चन मार्क फिर दोबारा से, क्योंकि मेजर ट्रेंड है, एक-एक कैंडल पर क्वेश्चनिंग करेंगे हम, अगर बायर वीक है, ठीक है वीक है खुद से और सेलर से दोनों से वीक है, लेकिन स्विंग लो नहीं है जो मैं कह दूं सेलर इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेजर के अंगेज नहीं कर सकते, मेजर काफी हद तक अप है, तो मैं नेक्स्ट पर वेट करूंगा ट्रेड नहीं करूंगा, हाँ अगर यहाँ स्विंग लो होता और ऐसी कैंडल मिलती तो मैं नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड कर देता, क्योंकि लास्ट कैंडल सेलर की स्ट्रॉन्ग है,
और बाय ने अपनी वीकनेस दिखा दी, मार्केट कहीं ना कहीं अप जाएगी। अब सेलर के सॉरी बायर के इतने वीक होने के बाद, बायर के इतने वीक होने के बाद किसको आना था? क्वेश्चनिंग करो जरा। और टारगेट तो मैं तुम्हें, मेरा टारगेट तो तुम्हें मेरा बताइए, टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अगर एचएल चालू हो गया तो हायर लोड क्रिएट हो गया, नेक्स्ट टारगेट होगा सीएल, ठीक है? और सीएल में तो भी गैप है, बट क्या हुआ, सेलर क्या हुए, खुद से वीक हुए, और भैया ये जो लाइन लगाई है मैंने इसको ही नहीं ब्रेक कर पाए, बायर को एंगल कर दिया, मानता हूं अगर स्विंग लो होता तो मैं कहता चलो सेलर इंटरेस्टेड है, लेकिन अपना ही खुद का ही जो लो है जो सेलर ने यहाँ क्रिएट किया उसको ही ब्रेक नहीं कर पाए, और ओपनिंग देखो नेक्स्ट कैंडल की ऊपर से हो रही है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड भाई। इतनी छोटी सी कैंडल को एंगल्फ ना करना, नीचे से रिजेक्ट लेना, खुद से वीक हो जाना, मेजर अप है, चल क्या रहा है, दावत में थोड़ी आई यहाँ पर ही। सेलर साफ साफ कह रहे भैया मैंने बायर के वीक होने के बाद भी अगर सेलर एंगल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब समझ जाओ क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है दया, समझ रहे हो? और वो गड़बड़ कौन बताएगी? हमें नहीं पता, नेक्स्ट कैंडल बताएंगी, वेट करने बताएगा, क्योंकि अपने को ट्रेड नहीं करनी। मैं तुम्हें परफेक्ट ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, इसके अलावा नहीं, और भी ट्रेड जो है जो अच्छी, ये जो पहली ट्रेड लगाई है मैंने ये थोड़ी सी ज्यादा एडवांस लेवल की हो गई, बट फिर भी इसका लॉजिक क्या ही था इसलिए बता दी, मैं नहीं बताता नहीं इस कैंडल को, क्योंकि स्टार्टिंग हम छोटी छोटी चीजों से करेंगे, अच्छी अच्छी कैंडल से। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में स्विंग लो क्रिएट किया, स्विंग लो बनते क्या हुआ भैया, क्या दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए दिमाग में स्विंग लो बनते, कोई बताएगा? इंटरेस्टेड सेलर इंटरेस्टेड, सेलर आएंगे कहाँ से आएंगे, अपने घर से, घर तो मेरे को तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा सेलर का, कोई भी घर, तो ये डेंजर जोन है, इस डेंजर जोन को सेलर का घर मानेंगे पहला, तुम्हें पता है टारगेट यही होता, तीन कैंडल भी है, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर सेलर बायर वीक हुए तो सेलर को आना चाहिए था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बायर और उल्टे स्ट्रोंग होके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उल्टे स्ट्रोंग होके आ रहे हैं, ठीक है? पर स्विंग लो है, मैं आपकी ट्रेड नहीं करूंगा, और इसकी ओपनिंग देखोगे तो इस कैंडल की जो पिछली जो छोटी रेड कैंडल है इसके नीचे से हुई है, हम वेट करेंगे भाई, ठीक है? एक बार को अगर एनगल्फिंग कर देती तो एमओएस के साथ चले जाते, बट हम परफेक्ट ट्रेड लेंगे, कोई रिस्क नहीं। अब अगेन बायर वीक हो गए, चल क्या रहा है मार्केट में, अगेन बायर तो वीक हुए और न्यू हाई भी नहीं बना पाए, न्यू हाई नहीं बना रहे तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अगर यहां पर बायर वीक हुए हैं तो बायर को स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं देनी थी यहां पर, यहां पर सेलर को आ जाना चाहिए था, इस कैंडल में सेलर को आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हमारे, जो कि स्विंग लो है, बायर वीक हो गए खुद से और सेलर से दोनों से आना चाहिए था बायर्स को, नहीं? यहाँ पे इन्होंने नाइंसाफी करी या नहीं करी, कर यस सर। दी नाइंसाफी? अगर इन्होंने नाइंसाफी करी है तो हम भी क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है? हम भी नहीं करेंगे, हम भी वो परफेक्ट ट्रेड लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा नहीं गंवाने का अपने को, अपने को क्या करने का, वेट करने का, बहुत पैसा अपने पास, पेशेंस बहुत है, ठीक है? अब उल्टा क्या हुआ, न्यू हाई क्रिएट करके बायर एंट्री ले रहे खुद से स्ट्रॉन्ग होकर, बेशक सेलर से भी खुद से स्ट्रॉन्ग है, मेजर अप है। मैं आपसे ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलूंगा नेक्स्ट पे, क्योंकि तो अभी न्यू भी है, हम वेट करेंगे, क्योंकि तो रिजेक्शन ले रही है ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करेंगे। अब जैसे ही लगातार दो कैंडल में मुझे बायर इंटरेस्टेड दिखे और बॉडी इंक्रीज दिखी, क्या लग रहा है, जा सकते हैं? क्योंकि नेक्स्ट लेवल में टारगेट, नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या होना चाहिए मार्केट का, हायर हाई बनाने का, यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या नहीं, नेक्स्ट टारगेट हायर हाई बनाने का इस तरीके से, ये हायर जी लो हो सर, गया और इस तरीके से मार्केट में जब सेलर आ ही नहीं रहे बेचारे इतने वीक होने के बाद, तो इसमें बायर का क्या कसूर है? बायर ने तो मौका दिया ना, यहाँ पर नहीं आ पाए, क्या करें? अब मार्केट को इस तरीके से जाना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगी,
और पर उससे पहले क्या एक्सपेक्टेशन है, टारगेट क्या है हमारा, जैसे ही ये कैंडल प्रेशराइज्ड कैंडल दी थी है, नीचे से प्रेशर लेके नेक्स्ट पे हम अप करेंगे। ये ओपनिंग ऊपर से हुई है तो याद रखना, जब भी ऐसे ओपनिंग होगी तो नीचे आने पर अप की ट्रेड करेंगे, मतलब इस गैप को पूरा होने के बाद। अगर वैसे होते तो हम ओपनिंग पे करते, ठीक है। हाँ जी भैया, अब नेक्स्ट कैंडल ना फिर बॉडी लगातार दो कैंडल में बायर अपनी बॉडी को डिक्रीज कर रहे हैं, बट मैं अब भी नेक्स्ट पर अप की सोचता, लेकिन क्या करूं, ओपनिंग ऊपर से होगी भाई अब क्या, तो और ओपनिंग होते लेवल को टच किया उन्होंने, लेवल को क्या किया, टच किया है, ध्यान से समझना बात, लेवल को क्या किया है, टच किया है। तो हम क्या करेंगे, मैं रिवर्स करता, यहाँ रिवर्स करता, मैं ये जो रेड कैंडल बनी है मैं रिवर्स करता अगर एडजस्ट ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग लेवल पर देती, क्योंकि मेरे पास स्विंग लो है भाई, स्विंग लो का रिप्लाई मिला ही नहीं है अभी तक, तो कहीं से तो मिलेगा ना, घर से। और सेलर की लगा, बायर की लगातार दो कैंडल वीक होना, समझ पा रहे हो क्या एक्सपेक्टेशन। अगर बायर इतने इंटरेस्टेड होते तो भाई तोड़ के हायर हाई बना दो ना, यहाँ पे ये वीकनेस दिखाने का क्या मतलब बनना है, लेवल पर हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार पर नहीं बना पाए। अब क्या हुआ, सेलर ओपन हुए, ऊपर गए, स्विंग हाई क्रिएट किया, कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग हाई क्रिएट कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री के साथ एनगल्फिंग देते हैं, स्ट्रॉन्ग एंट्री के साथ एनगल्फिंग देते हैं, कम डाउन ट्रेड। अब क्वेश्चन मार्क बनता है भैया, उस एनगल्फिंग पे तो ट्रेड करी नहीं, इस पे क्यों कर दी, ये कुछ क्वेश्चन आ रहा किसी के दिमाग में, किसी के दिमाग में यस सर। कोई क्वेश्चन। ओके, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट को क्या करना था, स्ट्रक्चर में कोई बताएगा मार्केट को क्या करना चाहिए था, हायर आई बनाना था यस। हायर हाई जाना था यस सर। वेरी गुड। उसके बाद बायर ने क्या किया, खुद को दो कैंडल में लगातार श्रिंक किया, मतलब वीक किया, और जैसी बायर ने वीक किया तो सेलर ने क्या किया, अपना काम कर दिया, एंगल कर दिया, मतलब हायर हाई बनाने में फेल हो गया, मतलब हायर हाई बनाने में फेल हो गया भैया, पता मैं कहा। और जैसी हायर हाई बनाने में फेल हुए और सेलर ने अपनी एंगल्फिंग दी, अब हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर चेंज होने की होगी, हमारी केवल एक्सपेक्टेशन होगी, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो इस एनगल्फिंग का हमने फायदा उठाया, अगेन बायर सेलर ने अपनी बॉडी इंक्रीज की, अब ध्यान से समझना इस कैंडल पर कैसे बचेंगे, बॉडी इंक्रीज की, मेरे पास स्विंग हाई है, याद रखना मेरे पास स्विंग हाई है, मतलब कहीं ना कहीं बायर अब भी है इंटरेस्टेड, जो कि आने वाले कहां से आएंगे भैया, सीएल से आएंगे, सीएल का बैठेगी इसकी, याद रखना इसकी सीएल हम लगाते नहीं है, बट यहाँ पे मुझे क्यों लगानी पड़ रही है, इसका रीजन समझना थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखो इस कैंडल के एटलीस्ट आस पास, इसको छोड़ो, चलो इसकी सीएल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्विंग हाई है और ये थोड़ा सा ऊपर जो ना भी लेवल में गैप है, जो मैंने जोन बनाया ना, ये तो जोन है, तो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से मेरे को बायर्स की एंट्री, सॉरी सेलर की, हाँ बायर की एंट्री मुझे दिख सकती है, मतलब इसकी सीएल मेरे काम आएगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लो का मेजर काफी हद तक अप है, तो इसकी सीएल मेरे काम आएगी, तो जैसे ही मार्केट इसकी सीएल को ब्रेक करती है फिर सीएल पर क्लोजिंग देती है, तो मैं पता, हमें रिवर्स करनी नहीं है, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में बायर एंटर हुए, स्विंग लो क्रिएट करके, स्विंग लो बता रहा है हमें कि सेलर इंटरेस्टेड है, मतलब आएंगे, मतलब आएंगे किसी भी सिचुएशन में आएंगे, आएंगे तो सही, पर ये क्या हुआ, बायर ने खुद से बॉडी इंक्रीज कर दी, खुद की लास्ट कैंडल से बॉडी इंक्रीज कर दी स्विंग लो होते आते भी, और जब भी ऐसा हो कि खुद की लास्ट कैंडल से बॉडी इंक्रीज कर दी, तो भैया इसे स्ट्रॉन्ग ही मानना, इसकी विक को, स्पेशली बॉडी को और विक को, दोनों को स्ट्रॉन्ग, जोन के अंदर क्लोजिंग देती है, बात अलग,
जब भी बायर स्विंग लो बना के या सेलर स्विंग हाई बना के अपनी लास्ट खुद की लास्ट कैंडल से बॉडी को इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर उसे स्ट्रॉन्ग मानना। अब क्या हुआ, ये हमारी रिप्लेसमेंट कैंडल तो मानी नहीं जाएगी, हम क्या करेंगे, बॉडी इंक्रीज हो रही है, वेट करेंगे सिंपल लॉजिक है, क्योंकि बायर अपनी बॉडी को इंक्रीज नहीं करना चाहिए था अगर सेलर को इंटरेस्ट थे। अब क्या हुआ, अगेन बायर ने अपनी बॉडी को इंक्रीज किया, पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड, क्योंकि मेरे पास स्विंग लो है, और जब तक स्विंग लो का रिप्लाई नहीं मिलेगा अपन लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, और वेट क्यों करेंगे भैया, क्योंकि स्ट्रक्चर फेल हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इतना कैसे सोच लेते हैं, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद हमारी दिमाग में क्या, खोपड़ी में क्या चलना चाहिए था कि भैया लोअर लो बनना स्टार्ट होगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे बायर भी सॉरी स्ट्रॉन्ग हो रहे लास्ट टू कैंडल में, लेकिन सेलर सब भी वीक है, और हमारी एक्सपेक्टेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मैं इस पर आपकी ट्रेड नहीं करूंगा, स्विंग लो भी है मेरे पास जो कि सेलर के इंटरेस्ट को दिखा रहा है। अब क्या हुआ, सेलर कैंडल की आई यहाँ से, ये सेलर कैंडल आती है इस जगह से और स्विंग हाई क्रिएट करके आती है, खुद से वीक होके आती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे क्योंकि एंगल्पिंग नहीं है, यहाँ पे एंगल्पिंग मिल जाती है नेक्स्ट पे डाउन चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच से एंगल्पिंग मिल गई। अब क्या हुआ, सेलर की बॉडी अगेन स्ट्रॉन्ग हुई है। अब भैया इतना मेरे को एक क्वेश्चन मार्क बताओ, स्विंग हाई का तो रिप्लाई कहीं ना कहीं से मिलेगा ना इसका, ये थोड़ी सी अच्छी ट्रेड है, थोड़ी इजी। अगर सेलर को लोअर लो बनाना होता है, फिर मार्केट को नीचे लेके जाना होता, भैया इसकी विक को तोड़ के निकलते, पर ये नीचे से रिजेक्शन क्यों ले रहे हैं, बेशक बॉडी इंक्रीज हुई है, बायर की भी तो बॉडी इंक्रीज हुई है लास्ट, चलो सेलर की तो एक कैंडल में बॉडी इंक्रीज हुई अपनी लास्ट कैंडल से, भैया बायर ने तो दो कैंडल में इंक्रीज करी होगी यहीं से इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे तो बायर बैठे होंगे, जब तो तोड़ने नहीं दिया ना, तभी तोड़ने नहीं दिया ना लेवल इसको, हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे आपकी डेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब मैंने आपकी डेट क्यों करी है भाई, इसकी वीक पर जी क्लोजिंग है, सर, इस वजह से इसकी वीक पर क्लोजिंग है, और याद रखना स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाए, क्योंकि अपनी खुद से लास्ट कैंडल से स्ट्रॉन्ग हुए बायर, और मेजर भी अप है, और स्विंग हाई का रिप्लाई कहीं ना कहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, बायर स्ट्रॉन्ग एंटर हुए पर एंगल्फिंग नहीं कर पाए, सेलर सब भी वीक है, वेट करेंगे। अब सेलर यहाँ पर खुद को वीक कर रहे हैं भाई खुद को वीक करें, मैं जोन बना देता हूँ, तुम्हें पता है जोन का तो बहुत ज्यादा काम ठीक है, सेलर खुद को वीक क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा, कोई बताएगा कि सेलर खुद को क्यों वीक कर रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो, क्योंकि एक तो याद रखना यहाँ पर स्विंग लो भी नहीं बनाया, तो मतलब सेलर तो इंटरेस्टेड है नहीं भाई, ये तो पहला कंफर्मेशन है, स्विंग लो नहीं बना ना तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं, सिंपल कंफर्मेशन। हाँ जी बताओ, सेलर फेल है, सेलर फेल है यहाँ पर कंफर्म है, और कंफर्म कौन करेगी, नेक्स्ट रेड कैंडल करेगी, नेक्स्ट रेड कैंडल जैसे ही वीक हुई स्विंग हाई बना कंफर्म कर रही है कि सेलर फेल है भाई, खत्म है सेलर की कहानी, खत्म है। हाँ जी, सेलर यहाँ पर वीक क्यों हो रहे हैं, कोई बताएगा, मार्केट क्या कहना चाह रही है, किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, मतलब कोई भी आंसर आ रहा हम हो लोग ये कि बता सकते हैं नहीं, तुम लोग नहीं बता सकते, सर। तुम्हें तो पता ही है भाई, चलो तुम भी बता दो, तुम्हें ही मौका दिया, इन्हें भी तो दिखना चाहिए ना हमारे सेकंड और फर्स्ट बैच वालों में कुछ आता होने नहीं। हाँ जी बताओ। बायर्स को चांस दे रही है बायर। हाँ हाँ सर, क्योंकि हाँ वो बायर्स को चांस दे रही है आने के लिए सर। वेरी गुड, बायर्स को चांस दे रही है मैं आने भी के बताऊं लिए। सर, हाँ जी, आप भी बताइए अमित जी। पहला तो लोअर लो बनाने में फेल हो गए ना ये। हाँ फिलहाल तो लोअर लो बनाने में फेल हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मार्केट के यहाँ से नीचे जाना चाहिए था हमारे हाँ अकॉर्डिंग। सर, लोअर लो बनाने में फेल। और सेलर वहां पे वीक होके मौका दे रहे हैं बायर्स को कि तुम अब यहाँ से अपना हाई बना सकते हो। तो बिल्कुल और सर ये जो लेवल लगाया है ना, वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए लोग सेलर्स, तो इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर स्विंग लो नहीं है, ये कंफर्म कर रहा कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेलर यहाँ पर वीक होकर एक और कंफर्मेशन दे रहे, भाई हम तो है नहीं इस संसार में, तुम कर लो जो करना तुम्हें, भाई बायर को मौका मिला है,
पर मैं यार ट्रेड नहीं करूंगा नेक्स्ट पे, मैं ट्रेड करता लेकिन तुम्हें बताने के लिए अभी ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन बाद में तुम्हें पता लगेगी कि क्यों मैं ट्रेड करेंगे, पर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड बैच वाले कर सकते हैं, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पर अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि केवल वीक हुए ना, हमें पूरी कंफर्मेशन चाहिए। और जैसे ही यहाँ से प्रेशराइज कैंडल मिली और इसके खुद के आई को तोड़ा, और एक वीक लेवल है ये, तो इसको तो बोल रहे लेवल नाम की चीज है, नेक्स्ट पे आप जाएंगे भाई ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत, इसकी ओपनिंग भी बॉडी के अंदर से। अब क्या हुआ भैया, ये इसे नहीं तोड़ पाए, गड़बड़ तो ये कर दी इन्होंने, खुद से वीक हो गए, सेलर से स्ट्रॉन्ग हो खुद से भी, पर हम वेट करेंगे। अब जैसे ही बॉडी इंक्रीज हुई नेक्स्ट लेवल, तो तुम्हें पता है यहाँ पर है। सिस्टम क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को फिर तोड़ना चाहिए ऊपर जाकर। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या हुआ, बायर ने खुद को फिर वीक कर लिया, ये चल क्या रहा है संसार में, मतलब ये चल क्या रहा है, सेकंड टाइम मतलब बेइज्जती करवाना है यहाँ पर बायर के अपनी, वीक कर। चलो हम फिर भी रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि लेवल में गैप है, और करते भी तो ऊपर जाने पे करते, तो इनने हमें प्लेसिंग भी नहीं दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्विंग लो है ना, इस वजह से भी रिवर्स कर सकते हैं। स्विंग लो, अब क्या होगा, स्विंग लो का तेरा ये लो है, ठीक है? पर बायर लास्ट सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो हम वेट करेंगे, मेजर भी है तो क्या पता तोड़ के निकल जाए, गैप है, वेट करेंगे। अब जैसे ही बॉडी इंक्रीज करके एंगल्फिंग मिली, अब ध्यान से देखना, ये लेफ्ट लेग है लेकिन इसको इसकी ओपनिंग नीचे से दे रही है, जैसे ही ऊपर जाएगी इस पर डाउन कर देंगे, क्योंकि अब तो कंफर्म कर दिया भाई, अब कंफर्म कर दिया इन्होंने कि भाई अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं तोड़ पाएंगे, हमारा हो गया बस, अपने पास पैसा खत्म, अब नहीं खरीद पाएंगे हम। अब तो तुम जहां सेलर को बिल्कुल मौका दे दिया, भैया ले जाओ, तो इसको हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अब ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, लेवल पे क्लोजिंग दे रही है भाई, ठीक है, वेट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, चलो स्ट्रक्चर पढ़ लेते थोड़ा, पहला फेलियर, फिर लोअर लो फेलियर यहाँ पर, और ये जो आरआरसी जिसने भी बताया बहुत बढ़िया बताया, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कॉन्टिन्यूएशन मार्केट चेंज, ठीक है? पहले मिले थी रिवर्सल ये थी, रिट्रेसमेंट ये थी, कॉन्टिन्यूएशन ये थी, लेकिन अब इतनी स्ट्रॉन्ग तो रिट्रेसमेंट करेंगे तो फिर कॉन्टिन्यूएशन कहाँ, ये वाले मेरे रिवर्सल हो गए, ये रिट्रेसमेंट हो गई, और ये कॉन्टिन्यूएशन हो गई, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? और जिसने बताया बहुत अच्छी बात है। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखो यहाँ पर लोअर लो बनाने फेल, उसके बाद मार्केट अब यहाँ पे ऊपर चला जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ फिर फेल, अब हो गया भाई इनका, अब हो गया मार्केट में, यहाँ कैंडल स्ट्रॉन्ग दे रही है पर लेवल है बायर का, मैं रिवर्स नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास स्विंग आई भी नहीं है, और लास्ट कैंडल वीक है, और एक्सपेक्टेशन भी अब क्या है मार्केट की, इस तरीके से नीचे आए, और नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए भैया, कोई बताएगा, ये होना चाहिए, नहीं फर्स्ट टारगेट मेरा, उसके बाद तो पहला टारगेट ये बैठ रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ने ट्राई किया यहाँ से, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन साइन देते हैं यहाँ पर, बट क्या करें कि स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ, जब भी स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हो इस तरीके का विदाउट स्विंग लो स्विंग आएगा, वहां वेट करना तुम्हें, ठीक है? हम वेट करेंगे, सेलर वीक होकर आए यहाँ पर, खुद से खुद का ही लो नहीं तोड़ पाए, न्यू लो नहीं बना पाए, वेट करेंगे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए भैया, यहाँ से ऐसे आए नीचे और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे इस तरीके से, और फिर नीचे आए क्योंकि लेवल ब्रेक हुआ, बट क्या हो, चलो देखते हैं क्या होता। अब यहाँ से ओपन तो हुई, रिटेस्ट भी किया इसने, बॉडी को इंक्रीज किया, न्यू लो क्रिएट किया, मतलब सब बन जाओ यार, अगर रिट्रेसमेंट करना होता ना इसी कैंडल में हो जाता, यही ग्रीन कैंडल यही कलर चेंज हो जाता, लास्ट बायर कैंडल वीक है, बॉडी इंक्रीज है, न्यू लो है, डाउन के लिए चले जाओ, आंख बंद करो ट्रेड करो, अगेन बॉडी इंक्रीज है, डाउन के लिए चले जाओ ट्रेड करो, अब भी लेवल में गैप है, डाउन के लिए चले जाओ ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीक हुए हैं यहाँ तक ना, ये वीक हो गए, खुद का लो तोड़ दिया, खुद का लो, सेलर का लो क्या है यहाँ पर, जो कि बनाया नहीं है, लेकिन ये प्रेशराइज कैंडल है, नेक्स्ट अगर बायर को आना होता होएगा कहाँ से आएंगे, अब तो भैया अपने घर से ही आएंगे, सिंपल हो जाएंगे, प्रेशराइज कैंडल डाउन जाएंगे, बोर्ड इंक्रीज करके है, एक वीक लेवल टूट रहा है, हम वेट ही करेंगे क्योंकि जोन बन रहा है, जोन के अंदर पहुंच गई मार्केट, ठीक है? जोन के अंदर मार्केट पहुंच चुकी है, अब बताओ यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मिनट बची हैं केवल, और मैं सोच रहा हूं कि ये आगे वाला जो चार्ट है इसे भी समझाऊं क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे वाले चार्ट को समझाने की आवश्यकता है नहीं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा खराब चार्ट है, और जितना मैंने यहां तक तुम्हें समझाया है, मेरे ख्याल से इतने में तुम्हारी बुद्धि स्टक हो गई होगी अब तक, तो इसे दोबारा देखनी ही पड़ेगा तुम्हें वीडियो को। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन।